हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पे पहला कॉलेज ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल मैं पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, जिसमें ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं, जितने भी आप देख पा रहे हैं इंटर्न्स सामने। और ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का व्यू है जो अभी आपके सामने है। सुबह 9 बजे का टाइम है, सारे इंटर्न्स पहुंच चुके हैं एंड ऑफ कोर्स पेशेंट्स अभी नहीं होंगे। और मैं आपको पेशेंट्स दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कुछ प्राइवेसी होती है। यहाँ पे सारे इंटर्न्स जिनसे आपको मिलाना चाहूँगा, डॉक्टर काजल, डॉक्टर मधु, डॉक्टर जागृति, डॉक्टर नंदिता, डॉक्टर नताशा, डॉक्टर आयुषी, कावेरी, कल्पना एंड मैनी मोर, बहुत से इंटर्न्स यहाँ पोस्टेड हैं मेरे साथ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी की तरफ, और ये बगल में जो हमारे हैं प्री क्लिनिकल्स हैं सेकेंड ईयर के लिए, ये इंटर्न्स उनको गाइड कर रहे हैं कुछ। और यहाँ पे सारे सेकेंड ईयर्स के बच्चे बैठते हैं एंड वो प्रैक्टिस करते हैं टाइफो पे। टाइफो वो होता है जो आर्टिफिशियल दांत होती है, उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं कैविटी बनाने की या फिर प्रिपेयर करने की। तो यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से क्लास होते हैं, यहाँ पे इंटर्न्स उनको गाइड करते हैं। एंड अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ लाइब्रेरी, वहाँ पर कुछ काम है जो निपटा के हम आएंगे थोड़ी सी। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डेंटिस्ट्री का मतलब क्या होता है, सिर्फ दांतों के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे बुक सेल्स पे देख सकते हैं सारे नाम हैं जो MBBS के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड ओरल सर्जरी, सर्जरी, मेडिसिन, एवरीथिंग आज देयर। और सबके बुक्स रखे होते हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे फिजियोलॉजी की बुक्स रखी हुई है सारी की सारी। यहाँ पे आपको एनाटॉमी की बुक रखी हुई है, हिस्टोलॉजी की रखी है, ये ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की है। तो एक बात समझ जाइए कि 90% या 80% सिलेबस हम MBBS से कवर कर जाते हैं एक बार देखा जाए तो। गाइस, देखो ऐसा है कि मतलब मेरे को कोई कॉलेज ब्लॉग का कोई आइडिया था नहीं, मेरे को ऑफकोर्स कोई आइडिया नहीं, अभी भी नहीं है। और ये रैंडमली मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और रैंडमली शूट करने के पीछे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपको आइडिया नहीं होता तो आप जितना हो पाते उतना दिखाते हो। अभी बेसिकली मेरे पास दो चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन है, पहला कि मैं पेशेंट्स नहीं दिखा सकता, और दूसरा कि मैं कॉलेज पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पूरे मेडिकल कॉलेज में आप कैमरा लेके घूम रहे हैं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। पेशेंट्स को आप दिखा नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं दिखा सकते, डेट्स द थिंग। और इसका आइडिया मेरे को अभी मिड डे में आया, मतलब कि अभी के बज रहे हैं शायद दो बज रहे हैं, और 2 बजने के बाद अभी मेरे को मतलब 12-11.30 बजे किसी ने बोला कि तू कॉलेज ब्लॉग क्यों ट्राई करता है। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक कि हाँ ट्राई करना चाहिए, मेरा पहला ब्लॉग होगा, ज़्यादातर वीडियो नैरेटिव होंगे, नरेशन होगा इसमें। और नरेशन के कारण मतलब अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, तो आगे मैं कंटेंट बढ़ाते जाऊँगा। एक छोटा सा फिर कॉलेज टूर भी लेकर के आऊँगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो, ठीक है। फिलहाल तो मैं अभी लाइब्रेरी में बैठा हूँ। यहाँ बैठने का रीज़न क्या होता है कि आप फिजिकली मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में आपको मतलब हर जगह शांति नहीं मिलती है, तो यहाँ पर शांत रहता है, पढ़ने में इजी होता है, पढ़ाई चल रही होती है, बहुत सारे लोग आदमी आते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो इसलिए तो बेसिकली एक तरह से ये आपका लैब, मेरा जो कॉलेज का लाइब्रेरी है उसका टूर एक तरह से आप समझ जाओ इसको, कि यहाँ की चीज़ें मैं आपको ज़्यादातर दिखाऊँगा। क्या पढ़ रहा है बे? कहाँ पढ़ रहे हो? ये सामने था वो पीडियो डिपार्टमेंट था, ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स है, और ये है ओरल पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज का, और ये लाइब्रेरी। और मैं वापस आ चुका हूँ डिपार्टमेंट में। फिलहाल यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये कुछ 2 बज गया होगा, इस टाइम का वीडियो है। पूरी दिन की वीडियो तो पॉसिबल ही नहीं बनाना, और कुछ लोग रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये गलत चीज़ हो रही है मेरे साथ, पकड़ो।
ये तो है नीचे में होता है जब 4 बजे हम लोग थंब लगा कैमरा पकड़ के मेरे को थंब लगवा रहे हैं, थंब लगाना होता है जब आप आते हो तब भी थंब लगाते हो, जब जाते हो तब भी पंच करना होता है। कैमरा तो लेके जा, मेरी माँ कहाँ गई, वो कैमरे वाली, वो कैमरे तूने जो किया है बहुत गलत है, ये कैमरा पकड़ा के अपना थंब लगा के भाग गई है, मैं ब्लॉग में डाल भी दूंगा। यो ब्रो, हाँ तुम ही आ रहे हो, सब कोई नहीं आ रहा है। खाना तेरे को हम नहीं जानते तुमको, कुछ खाना है, कुछ खाना है, ये डॉक्टर्स हैं, कैसे डॉक्टर्स हैं यहाँ, ₹5 समथिंग नेवर चेंज, ओके फाइन। तो भी भोपाल में बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए मेरी शक्ल ऐसी हो रखी है, माइंड मत करना खुद ही। और मैं अभी वापस आ चुका हूँ घर में, और आई थिंक आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करेंगे। मैं ट्राई कर रहा था इसके लिए कि आज कैसा व्लॉग बन सकता है एक कॉलेज में, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ के बारे में कि कैसे मैं कैमरा पकड़ूंगा, कैसे मैं क्या चीज़ें दिखाऊंगा। ज़्यादातर चीज़ें मैंने इसमें नैरेटिव भी रखी कि नरेशन करूँगा और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर्स चलते रहेंगे, एंड ऑफकोर्स वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि जिस तरह से मैंने कैमरा होल्ड कर रखा है इस तरह से घूमूंगा, तो मतलब फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, जूनियर्स हैं एंड बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग हो जाती है, थोड़ी सी मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। तो अगर ये ब्लॉग आपको सही लगा हो या फिर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर इस तरह के ब्लॉग्स और चाहिए तो मैं हो सकता है कि एक एक महीने पे, मतलब ऐसा कि 1 month पे हर महीने एक ब्लॉग निकालूँ, क्योंकि रोज़ तो पॉसिबल हो नहीं सकता, मैं सीधे बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी कि रोज़ एक ब्लॉग, ऊपर से कॉलेज जाके कॉलेज ब्लॉग्स निकालना इजी नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात के लिए अगर आपको पसंद आ रहा हो ये ब्लॉग तो फिर आप ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर किसी के साथ शेयर करना है। और यार देखो, MBBS कॉलेज अलग होता है, डेंटल कॉलेज अलग होता है, तो मैं हम डेंटिस्ट, तो मैंने पहला डेंटल ब्लॉग डाला है शायद, आई थिंक इससे पहले कोई भी डेंटल का कॉलेज ब्लॉग नहीं आया होगा जहाँ पे ये इस तरह से बताया गया हो, तो शायद ये पहला ही ब्लॉग है जो मैंने ही डाला है, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो सब पास आउट वाले डेंटल्स के चैनल हैं, वो स्टूडेंट नहीं है और मैं इंटर्न हूँ फिलहाल, तो मैंने शायद पहली बार डाला है क्योंकि मेरे को अभी तक वीडियो नहीं मिली है। अगर मिली है या फिर किसी को पता है कि कोई और व्लॉग चल रहा है डेंटिस्ट्री को लेकर के तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।